मेरठ में बीजेपी की महिला मोर्चा की मंत्री ने शोभित यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के अनुसार कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी में टॉयलेट साफ कराते थे, साथ ही कॉलेज गार्ड के साथ भी ड्यूटी लगाते थे। महिला मोर्चा की जैनब नकवी जो है उन्होंने शोभित यूनिवर्सिटी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और वो लगातार कह रही है कि पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करती। सर आपसे मिलती पूरा मामला क्या है और क्या कार्रवाई की है? उसमें जांच के आदेश दे दिए गए और इंस्पेक्टर पल्लवपुरम को बता भी दिया गया, अलग से प्रिवेंटिव एक्शन भी करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। सर क्या आरोप लगाए? और विभिन्न आरोप हैं उत्पीड़न के संबंध में और क्या सत्य है क्या नहीं है ये जांच के बाद ही कहा जा सकता है। सर क्या उन्होंने छह मिनटों की बात करी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम बिंदे जैनब नकवी है। सर मैं शोभित यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर पिछले एक मई से इधर आ रही हूँ और बाकी सभी जगह जा रही हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। और शोभित यूनिवर्सिटी में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रही थी। अब उन्होंने जांच में ये बोला है कि जैनब ने विभाग में काम नहीं करके दिया, तो मैं 1.5 साल से वहाँ पर क्या कर रही थी? 1.5 साल से वो लोग क्या देख रहे थे जो उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं बोला? और न्यूज़पेपर में ये कमेंट दिया कि FB पर कमेंट डाले जैनब ने, इसलिए हमने उसको निलंबित किया है। मैंने कमेंट, जब मेरा हरासमेंट ज़्यादा होने लगा, मुझे टॉयलेट साफ़ करने के लिए बोला, बैनर पियोन के साथ लगाने के लिए बोला, सतीश घाट के साथ मेरी ड्यूटी लगाई और मेरे से 6 और 7 अप्रैल में चाय बंटवाई। 36 राज्यों का मूड कोर्ट हुआ था वहाँ पर, तब मैंने उसमें कमेंट डालने स्टार्ट कर दिए। बट मैंने किसी का नाम नहीं डाला, किसी का पहचान नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, ओनली मैंने अपने हरासमेंट के बारे में डाला। वो मेरा पर्सनल राइट था, अपनी पर्सनल चीज़ पर डाला है। कोई मुझे नहीं मालूम उनका क्या मोटिव है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने जो मेंटली हरेसमेंट करने की कोशिश की है, बार बार ये कहना बीजेपी छोड़ो या नौकरी छोड़ो। मुझे नेट का एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया क्योंकि मैं 22 दिसंबर 2018 को गुजरात महिला सम्मेलन में जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था अगर आप वहाँ जाओगे तो आप नेट का एग्ज़ाम देने, मैं नहीं जाने दूँगी, अगर जाओगे नेट का एग्ज़ाम देने तो रिज़ाइन करके जाओगे। और 25 तारीख मार्च को जब मैं यहाँ पर राजेंद्र जी के नामांकन में आई, तब उन्होंने मुझसे 1 घंटे के लिए भी रिज़ाइन मांगा। किस पद पर तैनात हूँ? मैं बीजेपी में महानगर महिला मोर्चा में महानगर मंत्री हूँ। मैडम एक महीने का आपका अरेंजमेंट होगा, सर मैं ये सोचती हूँ कि मुझ जैसा आदमी परेशान है तो आम आदमियों के साथ क्या होता होगा कि उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती होगी। जनक सिंह भी कोई इसमें रिपोर्ट बार बार ये लगा रहे हैं कि मुझसे तो ये कहते हैं कि हम FIR क्यों करें, क्योंकि वो तो रखना ही नहीं चाहते हैं, जबकि जनक सिंह का ये राइट नहीं है मुझसे कहने का। और उनका राइट सिर्फ FIR दर्ज करने का है। SSP सर के साथ भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, मैं SP सिटी के पास भी जा चुकी हूँ, ADJ के पास भी।